नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ अमरू जी हैं जो अपनी कहानी, अपनी जुबानी आपको बताना चाहते हैं कि कैसे हालात थे इनके परिवार के और अब कैसे हालात हैं, किसकी वजह से ये हालात बदले। अमरू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कैसे हालात थे अमरू जी आपके परिवार में? बच्चे भी दूजे भी बहुत घर दुख सी, तकलीफ बड़ी सी। असी जदों दे डेरे आए हैं तो साडा परिवार सारा सेट हो गया, वह साड़ियाँ थावां वधिया बन गई ने, तो सब कुछ असी सारे परिवार ने नाम लिया। कैसे कैसे हालात थे? मतलब भी करे दुख बिमारियाँ, कोई भूतां प्रेतां तंग कर दियां सी, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह साढ़े ना बुरा हाल सी। कोई जी पागल हो गया, कोई जी पागल हो गया, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह इतने असी आए तो बच गए। असी मैं हूँ सेवा लंगर की करनी है। नशा भी था क्या? नशा भी बड़ा सी, वो सारे गलों साडा घर ठीक हो गया। अब कोई नशा नहीं है? हुण कोई नशा नहीं। किसकी वजह से ये बदले? दो बच्चे मेरे इतने रेंदे ने, पिता जी कोई गलत नहीं है। किस वजह से आपकी जिंदगी में बदलाव आया है ये? अच्छा, इतने बदल गई भी सतगुर दे घर आते सेवा कर दे। संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम जी, उनका कैसा लगता है आपको? उनका स्वभाव कैसा लगता है, नेचर कैसा लगता है? वधिया स्वाद लगता है, वधिया काम चल रहा है, वधिया मालक ने पिता जी चंगे काम उन्हें किए ने, माड़े नहीं किए। माड़े वे कमरे उन्हें पा के दिते ने, माड़िया खाना पचाई जाता, माड़िया इतने बेच लंगर पानी छकई जाता। पिता जी तो सोहने ने चंगे काम किए। की काम किया समाज? कोई माड़ा नहीं उन्हें किया, वधिया काम किया। जदों तो पिता जी गए ने, बड़ी दुख वाली गल है भी साढ़े पिता जी ने भी इन्होंने क्यों क्या आज उनकी जरूरत है समाज को? जरूरत है पिताजी। क्या मांग करोगे सरकार? मांग साड़ी है सानू पिताजी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील, लगातार मांग जनता की के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी समाज में वापस आने चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। इनकी ज़िंदगी जो बदली है, किस तरीके से बता रहे हैं कि इनके हालात कैसे थे, परिवार के घर में नशा था, बीमारी थी और भूत प्रेत जो भी ऐसे माहौल था इनके परिवार में, और आज इनका कहना है बिल्कुल अच्छा माहौल है, जिसका कारण सर डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा हैं। आप भी अपनी राय इन फैक्ट्स के लिए डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट। आई बहुत बताया।